हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल एंड मैं हूँ शिला। सो आज आप मेरी ये लुक देख के समझ पा रहे हो कि मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं करूँगी रेड कारपेट मेकअप ट्यूटोरियल्स। तो बेसिकली इस मेकअप को क्रिएट करने के लिए मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है। तो एक रेड ड्रेस मेरे पास है, बट इसे मैं ना स्टिच करने के लिए बाहर दी हूँ, तो इसलिए मैं इसी टॉप से काम चलाऊँगी आज। तो ये थोड़ा सा लाइक रेड कारपेट वाला फील लाएगी, तो इसलिए तो चलो विदाउट एनी फर्दर लेट्स डू बिगिन। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेरे फेस पे टोनर, सो थोड़ी सी रिफ्रेशिंग के लिए। एंड अभी मैं यहाँ पर लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। तो यस, तो अभी बारी आती है प्राइमर, जो कि बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेकअप पे। तो यस, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्राइमर, जो कि थी कौन से ब्रांड की, किस ब्यूटी। तो अभी बारी आती है कंसीलर, तो उससे मैं जहाँ जहाँ मेरे फेस पे जहाँ पर डार्कनेस है वहाँ मैं अप्लाई कर लूँगी कंसीलर को। तो अभी मैं यहाँ पर मेबलिन फिट मी की फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जो मेरे फेस पे मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी अच्छी तरह से, ताकि फाउंडेशन हर एक पार्ट पे अच्छी तरह से लाइक ब्लेंड हो एंड अच्छी तरह से रहे। तो अभी मैं आईलिड पे यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर लूँगी, ताकि मेरे आई शेडो की कलर और भी ज़्यादा निखर के आए एंड खूबसूरत सा यू नो पिगमेंट वाला कलर चाहिए मुझे। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर लाइक बोल्ड आई लुक चाहिए आज, तो क्योंकि रेड कारपेट वाला मेकअप होगी ना आज। अभी मैं इस वाले पैलेट से ये डार्क शेड पिक करूँगी एंड इसे मैं मेरे लिड पर अप्लाई कर लूँगी। लिड पे नहीं, सॉरी, क्रीज लाइन पे इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। ओके, सो अभी मैं थोड़ी सी रेड कलर लेके फिर क्रीज जहाँ मैंने ये डार्क शेड लगाई थी इसके ऊपर ही ब्लेंड कर दूंगी थोड़ी सी रेड कलर, हल्के हल्के कर हल्के हाथों से, यू नो इसे ब्लेंड करना है बहुत ही हल्के हाथों से। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पर ना कट क्रीज बनाऊंगी, तो कट क्रीज के लिए मैं थोड़ी सी ब्रश पे कंसीलर ली हूँ, तो इसे मैं कुछ इस तरह से कट कर लूँगी। तो कट क्रीज के लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज आप ऐसे देख के नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए। मैं इस पैलेट से एक यू नो हाइलाइटर शेड ले रही हूँ, जो थोड़ी सी सिल्वर कलर में है, तो इसे मैं जहाँ मैंने कट क्रीज से यानी कंसीलर से कट क्रीज बनाई थी वहाँ पर मैं इसे अब प्लेस्ड कर दूंगी कुछ इस तरह से। इसकी पिगमेंट अब देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत पिगमेंट है। एंड अभी थोड़ी सी रेड कलर लेके मैं यहाँ पर, रेड नहीं है, चेरी कलर है, चेरी कलर लेके इस वाइट हाइलाइटर शेड के साथ ब्लेंड कर दूंगी, ताकि लुक थोड़ी सी ब्लेंड ही आए, अदरवाइज आई शेडो अलग से निकल के आएगी। तो मैं आपको यहाँ क्लोज दिखा रही हूँ, देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही इसे ब्लेंड करना है वाइट हाइलाइटर शेड के साथ।
तो अभी मैं थोड़ी सी रेड कलर मेरी लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर लूंगी। ओके अभी बारी आती है लाइनर, तो मैं यहाँ पर लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर एक विंग क्रिएट करूंगी आईब्रोज की, जो आईब्रोज है उसकी एंड तक आपको खींचना है। एंड ना अभी मैं इसे इनर कॉर्नर से आउटर वी तक इसे फिल कर दूंगी अच्छी तरह से, तो कुछ इस तरह से देख पा रहे हो आप वीडियो में, देख के आई थिंक समझ जाओगे। ओके सो अभी अप्लाई करूंगी मस्कारा, जो कि जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आई शेडो मेरी लेश पे गिर गई थी इसलिए। अभी ना मैं आईलाइनर से मेरी लोअर लेश पे मस्कारा अप्लाई कर लूंगी, क्योंकि अगर आईलाइनर से यूज करते हो ना तो मस्कारा और भी ज्यादा डीप आती है निखर के, तो इसलिए। सो ओके अभी ना मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हाईलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। अभी देखो आईलैश पहनने के बाद लुक चेंज हो गई। तो अभी मैं यहाँ पर फेस कंट्रोल करूँगी, बहुत ही लाइट कंट्रोल करूँगी, बहुत ही लाइट, देख पा रहे हो बहुत ही लाइट है। एंड हाथों से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी कुछ इस तरह से, देख पा रहे हो अभी लुक। अभी देखो रेड कारपेट लुक है, तो रेड लिपस्टिक तो बनती है ना। वीडियो पसंद आई एंड ये वाला मेकअप ट्यूटोरियल्स भी आपको पसंद आया, तो यस बहुत मेहनत की मैंने इस लुक को क्रिएट करने में, तो प्लीज़ आपको लाइक कोई भी मेहनत नहीं है एक लाइक देने में एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू हिट द बेल आइकन।